सिवाय कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो अभी जो है आज है दिन 8 अगस्त, बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है बर्थडे, जानू का बर्थडे है, मेरा बर्थडे है और अभी मैं लेटी हूँ, बच गए हैं 8। तो बच्चे जो है स्कूल चले गए हैं, जानू का तो आज कॉलेज नहीं था लेकिन अभी वो तैयार हो रही है, उसको फिर से जो है बुलाया गया है कॉलेज में, कुछ जो है प्रैक्टिकल लगे हैं तो उस वजह से वो जा रही है 1 घंटे के लिए, तो तैयार हो रही है। आर्यन चला गया है, सबको चाय नाश्ता करा दिया है और आज मैं लेट गई हूँ। पता है कल रात में बहुत लेट खाना मैंने और जानू ने बहुत लेट खाया था, करीब वही 11 बजे के आसपास। कल था सोमवार तो फास्ट था पूरे दिन और फिर मैंने खाना बनाया तो सबने खा लिया, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जो है गर्मी थी। शाम को तैयार हो गए, बैग टांग के आई है जानू और अभी ड्रेस नहीं पहनी है। ड्रेस पहन के जाओगी कि ऐसे ये देखो बैग, आज बर्थडे के दिन भी छुट्टी नहीं है। तो ये देखो बैग टांग के जा रही है, अभी तैयार होगी, बैग वैग लेके आई है ऊपर से और मैं लेटी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ घर के, थोड़े बहुत काम करूँगी और देखो कैसा जाता है आज बर्थडे वाला दिन। पार्टी वार्टी तो नहीं है, किसी को कुछ नहीं बुलाया नहीं है, और क्यों नहीं बुलाया वो भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। जब से मेरे घर में ये आया है, ये देखो क्या कर रहा है, ये लेटा है, ये देखो ये डुब्बू गया बाहर गया। तो जब से ये आया है घर में तो कोई भी मेहमान आता है ये बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। बच्चे आते हैं तो बहुत परेशान करता है। क्या है जानू, चूहा है? हाँ चूहे बहुत हो गए। तो ये बहुत परेशान करता है, किसी के बच्चे आते हैं, भाभी के बच्चे आते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मेरी ननद के बच्चे आए थे मेरी एनिवर्सरी पे तो भी इसने परेशान किया था, ये बहुत जो है फिर पीछे पड़ जाता है बच्चों के, तो इस वजह से मैंने कहा चलो नहीं बुलाते हैं। फिर जो है परेशानी होती है जब मेहमान आते हैं और घर में इस तरीके से जो है डॉग वगैरह हैं तो तंग बहुत करते हैं, डर लगता है कि कहीं काट कूट ना लें। तो इस वजह से जो है पार्टी वार्टी कैंसल है, बस घर में ही मनाएंगे मैं और जानू मिलकर के, केक वेक कटेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे तो करने हैं पूरे जो है काम। और ये देखो ये आके बेड काट रहा है, फिर आ गया पूरा जो है बेड, इसने नीचे नीचे पूरी प्लाई जो है चारों तरफ बेड के काट के इसने जो पूरा बेड ख़राब कर दिया है। 18-20 हज़ार का बेड इसने सत्यानाश कर दिया। और आज मुझे थोड़ा सा सर दर्द लग रहा है, थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कल बहुत लेट सोई, 12-1 बजे के बाद। चाय वाय बना के आई हूँ, सबको पिला दी है चाय, ब्रेड गर्म की। अभी बस काम करने, घर की सफाई करनी है और पूजा करनी है। मैं सोच रही थी कि आज जाऊंगी मंदिर, कल शाम को मैंने जानू से कहा था कि हम दोनों लोग चलेंगे मंदिर, लेकिन अभी जो है उसका टेस्ट लगा है, वो टेस्ट बोल रही हूँ प्रैक्टिकल लगा है, तो वो जाएगी, वही आएगी जो है 11:30 बजे। हाँ 11:30 बजे के आसपास आएगी। नींद सी आ रही है आज मुझे, आलस लग रहा है। सुबह सुबह भाभी ने मिस किया, 5:30 बजे फ़ोन किया तो मैं डर गई एकदम से कि सुबह सुबह, क्योंकि भाभी का फ़ोन आता नहीं है सुबह सुबह, दिन में आता है ज़्यादातर। तो सुबह सुबह मैंने कहा पता नहीं क्या बात होगी, तो फिर भाभी ने सुबह सुबह उठ के जो है मिस किया। तो चलो देखती हूँ, काम करती हूँ घर के, आलस करके लेट जाऊँगी तो फिर लेट ही रहूँगी। और काम तो उतने ही हैं रोज़ के जितने होते हैं, कम तो होने नहीं वाले। कपड़े अभी भी पड़े हैं, कल शाम को मैंने मशीन लगाई थी तो अभी भी कपड़े पड़े हैं मशीन में, वो निकालने हैं। उससे पहले जो है एक कप चाय पीऊँगी जाके, फिर कुछ काम करूँगी, थोड़ा सा मूड जो है सही हो। आज मुझे सर दर्द लग रहा है हल्का हल्का, आंसू भी आ रहे हैं बार बार सर दर्द की वजह से। गर्मी में पता है काम करो किचन में, फिर खाना वाना बना के रात में वही 8-9, 9-9:30 बजे के बाद नहा लूँ, इस वजह से ज़्यादा होता है जुकाम वगैरह। और जानू जो है रट्टा मार रही थी, 1 महीने से पीछे पड़ी है, सच में 1 महीने से पीछे पड़ी है मोमोज खाने के लिए। मैंने बनाए नहीं है लेकिन आज बनाऊंगी बर्थडे वाले दिन, वो उधर से ही सामान लेके आएंगी तो बनाऊंगी मोमोज थोड़े से। और ये देखो दोस्तों हमारा डुब्बू यहाँ पे सो गया है। डुब्बू 4 बजे उठ के फिर सोता है, पूरा दिन सोता है, वैसे ही सोएगा, इसको कोई कितना भी तंग करे वैसे ही सोएगा। दिन में कतखन्ना बन जाता है, बहुत काटता है सबको,
सो रहा मस्त होके, 5-6 ब्रेड खा ली है दूध में डाल के, बस सो रहा है गंदा बच्चा, दिन में सबको काट काट के परेशान करता है। इनके लग गई पैर में चोट, लंगड़ा लंगड़ा के चलते इस वाले पैर में, सोएगा लेके, हाँ खुजली करे, कोई खुजली करे, ऐसे ऐसे गुदी गुदी करे, गुदी गुदी ऐसे ऐसे गुदी गुदी करे, ऐसे लेट जाता है ऊपर पैर के। चलो दुकू तो छोड़ रहा है, मैं अपने काम करूँ। तो अभी जो है नहा धोकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और यहाँ पर मैं घुमा रही हूँ केले वाला गमला। तो केले के पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो मुझे जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए नहीं बन रहा है, सामने वो पत्ती जो है पूरी जो है सामने ही आकर लगती है चेहरे पर। तो फिर मैंने इसको घुमा दिया है थोड़ा सा, घुमाने के बाद फिर सूर्य नारायण को जल चढ़ाया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं तुलसी मैया की पूजा कर रही हूँ। तो अभी जो है मेरी तुलसी मैया पता नहीं क्यों हल्की जो है पीली पीली सी हो रही हैं पत्तियाँ इसमें की, और झड़ भी रही हैं पत्तियाँ, पता नहीं क्यों, शायद कई बार होता है पानी ज़्यादा हो जाता है तो पत्तियाँ वगैरह झड़ने लगती हैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ शिवलिंग की पूजा। तो जो भी मैं एक दिन पहले चढ़ाती हूँ वो सारा कुछ मैं साफ़ कर देती हूँ फूल वगैरह हटा करके, फिर दोबारा से अच्छे से जो है शिवलिंग को स्नान करा करके फिर मैं पूजा करती हूँ। और लोग देखो ना कैसी गलत गलत धारणाएँ फैलाते हैं कि महिलाओं को भाई ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। तो देखो हम सब भगवान की ही देन हैं, सबको ईश्वर ने बनाया है, तो फिर हम ईश्वर को क्यों नहीं छू सकते। लोग अजीब ही होते हैं, कुछ लोगों की सोच ही अलग होती है, जो गलत गलत जो है धारणाएं अफवाहें फैलाते हैं। और फिर मैंने आज रेड कलर की साड़ी पहनी है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्थडे नहीं शादी में जा रही हूँ या फिर शादी में आई हूँ। मेरे पास है ही रेड कलर की साड़ी ज़्यादा, और जो ये है जो है हल्की है, खाली इनमें बॉर्डर है और प्लेन, मतलब बिल्कुल प्लेन है, ये जो थोड़े बहुत स्पार्कल इसमें पल्लू में है, बाकी पूरी साड़ी जो है प्लेन है, हल्की साड़ी है, लेकिन रेड कलर की वजह से सभी जो है साड़ी ब्राइडल लगती है, ज़्यादातर साड़ी जो रेड होती है वो ब्राइडल भी आ जाती है। और मेरे पास है 4 या 5 साड़ी है रेड कलर की, तो अभी जो है पूजा करके आई हूँ। और मैंने अभी जो पिछले हफ्ते मैंने 2 सूट भी लिए थे, लेकिन सूट सिले नहीं मैंने, ये देखिए कॉटन के मैंने लिए थे, सलवार है बॉटम इसकी और ये कुर्ती है, और ये कि मैं अलग से कुर्ती लेके आई थी प्लेन, तो मुझे जो है बनाने थे, फिर मैंने सोचा मैं घर पे बनाऊंगी। वैसे तो सोच रही थी कि सिलवा लूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, मन नहीं करता है मशीन लेके बैठने का, लेकिन फिर अभी मैं इनको बनाऊंगी अपने हाथ से। तो फिर मैंने रख दिया कि चलो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो फिर बनाऊँगी, तो इस वजह से सिले नहीं। और मेरे पास सूट है भी नहीं, ज़्यादा कम है, तो अब की मैं साड़ी ही पहनती हूँ डेली में, आई हूँ पूजा करके और अब जा रही हूँ कुछ बनाऊँगी खाना पीना। और मेरा डुब्बू तब का सो रहा, अभी भी देखो ये देखो सो रहा है, तब से लेटा है, मैंने झाड़ू लगाई थी सिर्फ उसको हटाया था, और तब जो अभी भी सो ही रहा है, बहुत सोता है, पूरा पूरा दिन ही सोता रहता है ऐसे, देखो बहुत जो है गहरी नींद में सो रहा है अभी, लाइट बंद कर। और अभी आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मोमोज की तैयारी। पत्ता गोभी, सोयाबीन और ये प्याज है, ये है पनीर, तो इतनी सारी चीज़ें मिक्स करके यहाँ पर मैं जा रही हूँ जो है इसको फ्राई करने के लिए। और अब की बार जो है जानू मुझे करीब 1 महीने से परेशान कर रही है घर के बने मोमोज खाने के लिए, उसको अच्छे लगते हैं पता नहीं क्यों मेरे हाथ के बने हुए मोमोज। और देखो घर की बनी चीज़ें घर की बनी होती हैं, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मोमोज, और मोमोज जो है बहुत सारे शेप में बनते हैं, सबको बनाने अब आते हैं, तो देखिए मैंने इसी वजह से पूरा वीडियो नहीं शेयर किया। और इस तरीके से मैं बना रही हूँ ये जो नए शेप में बनते हैं, तो उसको गोल वाले नहीं खाने थे, बोली मम्मी थोड़े शेप चेंज कर दो, तो इस तरीके से मैंने बनाए हैं, स्टीमर में रख दिए स्टीम होने के लिए। और अभी जो है ये देखिए यहाँ पर स्टीम भी हो चुके हैं, और उसके बाद हम लोगों ने खा पी लिया था खाने पीने के बाद, फिर लेट कर काफ़ी देर बातें करी हैं मैंने और जानू ने। तो देखो ये जो दिन है मेरे बर्थडे का, जानू के बर्थडे का, तो हम दोनों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन है, कभी मैं उसको देखती हूँ, कभी खुद को देखती हूँ, कभी जो है मन ही मन सोचती हूँ कि पता नहीं वक्त धीरे 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 कब इतनी जल्दी बीत गया पता नहीं चला। और जानू भी जो है बड़ी हो गई, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं समझ में नहीं आता है, खासकर बेटियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं।
तो अभी देखो आ गई थी ऊपर, ऊपर के आ गई थी मतलब खाने पीने के बाद थोड़ी देर, फिर हम लोग सो भी गए थे। वही मैं उठी हूँ शाम को 5:30 बजे के आसपास, तो कपड़े मैंने धुल के बकेट में भर के रख दिए थे और अभी लेकर आई हूँ छत पर। तो ये देखो कितनी शैतानी कर रहा है ऊपर, जो है दोनों शैतान घूम रहे हैं और ये बहुत शैतानी करते हैं, कई बार गमले वगैरह भी गिरा देते हैं तो नुकसान भी कर देते हैं, बहुत शैतान हैं दोनों। इस वाले पेड़ के मैंने बैंगन दिखाए थे, अभी भी लगे हैं, मैं सोच रही हूँ उनको तोड़ूँ, तोड़ के फेंक दूँ, पता नहीं क्या करूँ। इनका जो है स्वाद बहुत ही ख़राब आता है, कड़वाहट भी नहीं आती है बैंगन में, बिल्कुल जैसे पानी जैसी सब्जी लगती है, लगता है कि पानी वाला टेस्ट है, कोई स्वाद नहीं आता है सब्जी में। और इसमें बहुत सारे लगे, मतलब एक बार में कई सारी, मतलब एक बार में सब्जी बन जाएगी, कई सारे लगे, इसमें भी लगे हैं, एक इसमें लगे और उधर रखा है एक पीछे उधर उस साइड में, तो उसमें भी 4-5 लगे हैं बड़े बड़े, अब जो है ख़राब हो रहे हैं धीरे धीरे। इनकी सब्ज़ी जो है बहुत ही अजीब सा स्वाद आता है बैंगन का। डुब्बू कहाँ? डुब्बू देखो हमारे ऊपर बैठे, वो थक के बैठ गए, वो देखो खेल के थक के नीचे आ, इधर आ, बाहर भी घूम के आया सैर करके, थक के बैठा ऊपर, ऊपर से देख रहा है चारों तरफ। बैठो थोड़ी देर में, और अभी पीछे पीछे आए रहो, बैठो आओ तो तुम अभी नीचे, तुम बाद में आओ तो रहे, वो पहले ही नजर ही नीचे। बस बहुत देखी स्पीड, देखी कितनी तेज है। अरब की मेरे इस वाले कमरे की हालत ख़राब है, इस वाले कमरे में मैं कपड़े सुखाती हूँ, देखो बारिश से जो है बच भीगने के बाद, अब की बारिश होती है तो मैं इधर ही डाल देती हूँ सोफे पे, बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए मेरे, देखो तभी इनको लेके जाऊंगी, फोल्ड करूंगी सबको। जन्मदिन है, बर्थडे है, लेकिन छुट्टी नहीं है बर्थडे के दिन भी। बहुत सारे कपड़े हैं भैया, कपड़ों से तो वाकई में अभी आज जानू सोच रही थी, आज कह रही थी मम्मी बर्थडे है, बर्थडे के दिन कोई किसी ने कपड़ा नहीं लिया नया, तो मैं कह रही थी कपड़े कम हैं, देखो इतने सारे कपड़े हैं, हर दिन हर कुछ नया हो तो नया, हर बार कौन कपड़े लेता है, देखो इतने सारे पड़े भी। साफ़ तो है रूम, तो बहुत साफ़ है, झाड़ू पोछा सब हुआ है, खाली ये कपड़े ही फोल्ड करने हैं। नीचे चलो दोनों लोग, चलो ये दोनों लोग जब ऊपर आते हैं तो बहुत शैतानी करते हैं, अभी देखो कहीं गमला गिराएंगे, कहीं मिट्टी गिराएंगे, चलो नीचे देखो लड़ाई करने के लिए खड़ा है सिंक, सिंक को किए दिख भी नहीं रहा है फ़ोन में अच्छे से, हाँ देखो लड़ रहा है। डुब्बू आ नीचे आ, ये दोनों जब ऊपर आते हैं तो शरारत करते, बाल्टी लिया भैया। और अभी हम लोग आए हैं बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो मैंने सुबह कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, लेकिन सुबह जानू का प्रैक्टिकल लगा था, तो फिर अभी जो है शाम में आई हूँ 7:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पर जो है हम और जानू दोनों लोग दर्शन कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बालाजी महाराज के। और ये जो मंदिर है तो ये हमारे घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, सिटी से बाहर, और बड़ा मंदिर है, अलग अलग हिस्से में जो है कई सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो हमने सिर्फ जो है बालाजी भगवान के ही दर्शन किए हैं, उसके बाद आ गई हूँ बाहर और आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी बाहर का व्यू। तो ये जो मंदिर है, बड़ा मंदिर बना है, सुंदर है, और बाहर भी जो है काफ़ी अच्छा व्यू है, और शाम के टाइम पर यहाँ पर अच्छा लगता है। और आज देखो मंगलवार है, तो मंगलवार यहाँ पर जो है भीड़ भी होती है, मेला लगता है, क्योंकि बालाजी महाराज का मंदिर है, तो मंगलवार के दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ होती है। और अभी हम लोग जो है दर्शन कर चुके हैं, दर्शन करके घर जा रहे हैं, और घर आने के बाद फिर मैंने खाना पीना बनाया, उसके बाद यहाँ पर केक कटने की तैयारी हो रही है, तो केक लाने में थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो ये देखिए अभी हमारे डुब्बू के मुँह से बच गया। उसके बाद यहाँ पर जो है कैंडल वगैरह लगा ली है, तो जानू जो है अपने लिए कैंडल लेके आती है, वैसे तो उसने कहा मम्मी मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आऊँ, लेकिन एक केक में 2-2 कैंडल नहीं अच्छी लगती हैं, और हम जो है दोनों लोग मिलकर के एक ही केक में बना लेते हैं बर्थडे, 2-2 केक नहीं मंगाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि खुशियां मनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपनी जो फैमिली है वो साथ होनी चाहिए और खुश होनी चाहिए। जब फैमिली साथ होती है, खुश होती है, तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बड़ी खुशी लगती है। तो देखिए ना कितने सिंपल तरीके से हम माँ बेटी ने अपना जन्मदिन मना लिया है, केक काट लिया है, एक दूसरे को खिला दिया है, और बस यही चाहती कि सालों साल हम ऐसे ही अपना जन्मदिन मनाएं। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, केक खा लीजिए, वैसे तो जूठा हो गया है, बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग आ जाइए।
और इसके साथ ही अपनी इस वाली वीडियो का मैं यहीं पर एंड भी करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।